नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एसटी टेक्निकल रिव्यू में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सेटअप लेकर आया हूं। ये सेटअप आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि जहां सुई का काम करती है वहां तलवार काम नहीं आती, और वैसे भी आजकल हर जगह हर चीज को छोटा करने का प्रोविजन चल रहा है। जैसे आप देखिए, पहले कंप्यूटर होते थे कितने बड़े होते थे, धीरे धीरे करते करते अभी वो कंप्यूटर काफी पतले और छोटे हो गए हैं। इसी तरह से लैपटॉप देखिए, मोबाइल को देखिए, इवन आपका मोबाइल का जो सिम होता है आप उसको देखिए, मेमोरी कार्ड को देखिए, हर चीज छोटी होती जा रही है लेकिन पावरफुल होती जा रही है। तो उसी तर्ज पर हम जो सेटअप लेकर आए हैं वो ये सेटअप है। देखने में छोटा है, खास तौर पे ये सेटअप हर जगह यूज होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक जगह पर, कोई भी जगह हो आप हर जगह पर इस सेटअप को यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, आप किसी होटल में जा रहे हैं इस सेटअप को यूज कर सकते हैं, आप कोई लाइव प्रोग्राम करने जा रहे हैं इस सेटअप को आप यूज कर सकते हैं, आप किसी ऑडिटोरियम में हैं ये सेटअप वहां पर यूज होगा, कोई आपका कोई भी क्रिकेट ग्राउंड है या किसी भी कोई भी प्ले ग्राउंड है, कोई स्कूल है, हर जगह पर इस सेटअप को हम यूज कर सकते हैं। डीजे बजाने जा रहे हैं, डीजे में यूज होगा, हर जगह पर यूज होगा। बस डिफरेंस इतना रहेगा कि हर जगह पे एप्लीकेशंस अलग हैं, तो हर जगह पर यूज करने का तरीका अलग होगा। वो तरीके क्या होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता जाता हूँ। जब दोस्तों आप डीजे बजाने जा रहे हैं किसी होटल में, किसी भी मैरिज होम में, तो आप ये पूरा सेटअप लेकर जाएंगे। जब आप किसी ऑडिटोरियम में हैं, फाइव स्टार होटल में है, थ्री स्टार होटल में है, तब भी आप पूरा सेटअप लेकर जाएंगे। अगर आप किसी ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, किसी क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हैं, स्कूल में आपको सेटअप लगाना है, अपना पर्सनल लगाना है या वहां पर बजाना है, तो अगर ये सेटअप आप वहां लगाना चाहते हैं तो वहां पर आप पूरा भी लगा सकते हैं, और अगर आप पूरा नहीं लगाना चाहते हैं तो ये टॉप्स आप वहां पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगा सकते हैं, बड़े से बड़े ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपका ग्राउंड गोल है, उस गोल ग्राउंड में आपको कुछ कुछ दूरी पर इस तरह के ये टॉप आपको लगाने हैं। इसको आप वहां पर हैंग कर सकते हैं, हैंग करने का प्रोविजन होता है, या वहां पर आपको बनाना पड़ेगा हैंग करने का प्रोविजन। हैंग नहीं करना चाहते वहां पर स्टैंड बना सकते हैं, स्टैंड भी नहीं मिलता है तो आप लाइनर स्टैंड बने बनाए आते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। जो सेटअप आप यहाँ देख रहे हैं इसको यूज करने के भी दो तरीके हैं, दो या तीन तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तरीका जैसे मैंने इनको रखा हुआ है आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको फोटो दिखाया इसमें बेस के ऊपर लाइनर स्टैंड लगाया हुआ था जो कि बेस में ही लगता है, और इसके नीचे भी प्रोविजन है उसको लगाने के लिए, तो आप इसमें लाइनरी स्टैंड लगाकर इसकी हाइट अब आप इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों तरफ आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है और ये सेटअप काफी खूबसूरत लगता है। उसके अलावा अगर आप और दूसरे तरीके जान सकते हैं तो बेस आपके अलग रहेंगे, लाइनरी स्टैंड अलग से भी आते हैं जो कि स्टैंड अलोन खड़े हो जाते हैं, आप उनके ऊपर इनको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सेटअप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सेटअप की क्वालिटी कैसी है। तो दो सबसे पहले हम आप देखिए एक क्लोज लुक, और उसके बाद करते हैं आगे बातें। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा सिंगल 15 का कॉलम, इसे बोलते हैं हम। ये सिंगल 15 का कॉलम आपका हो गया, इसके साथ में ये आपका रिवर्स बेस। रिवर्स बेस आप देखिए, ये पॉप का मॉडल होता है, उसी तरह का एक मॉडल बनाया हुआ है रिवर्स बेस का, बट ये पॉप नहीं है। दोस्तों आप नीचे से देखिए, यहाँ पर जो लाइनर स्टैंड मैंने आपको लगाने के लिए बताया उसके लिए ये प्रोविज़न यहाँ पर किया हुआ है, इसमें आपका लाइनर स्टैंड यहाँ पर लग जाता है, तो ये आपकी हाइट को इनक्रीज करने के काम आएगा।
तो दोस्तों फिनिश आपने देख लिया प्रोडक्ट का, अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की और कॉस्ट की, कॉस्ट क्या रहेगी और स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे। दोस्तों जहां तक बात करते हैं स्पीकर की, तो अगर मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा, आप लाइव प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इंपोर्टेड स्पीकर 800 वाट 1000 वाट आप लगा सकते हैं। अगर आप डीजे के लिए जा रहे हैं, इंपोर्टेड स्पीकर 1200 वाट 1500 वाट आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से इंपोर्टेड स्पीकर में 1200 वाट भी अपने आप में सफिशियंट है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोकल स्पीकर लगा रहे हैं तो आप 1200 वाट 1500 वाट लगाइए, क्योंकि इंपोर्टेड स्पीकर और लोकल स्पीकर में डिफरेंस यही होता है कि इंपोर्टेड स्पीकर जितने वोल्टेज होता है उतना वोल्ट उसका आरएमएस पावर होता है, जबकि लोकल स्पीकर जो होते हैं अगर वो 1500 वाट बोलेंगे हो सकता है उसका जो आरएमएस पावर है वो 1000 वाट या 1200 वाट ही निकले मैक्सिमम। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इंपोर्टेड स्पीकर के साथ। जब बात करते हैं टॉप्स की, कि टॉप्स में कितने वाट के स्पीकर लगाएं, दोस्तों अगर आपको इसको पावरफुल डीजे बनाना है तो इसमें हम 1000 वाट का स्पीकर रिकमेंड करेंगे, कि इंपोर्टेड स्पीकर 1000 वाट। उससे होगा क्या, हमने 1000 या 1200 वाट बेस में लगाया, 1000 वाट टॉप में लगाया, हमारा 2000 वाट हुआ, 2000 वाट पर चैनल हम डाल सकते हैं अपने एक एम्पलीफायर CA20 में। अगर हम इससे ज्यादा जाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, अलग एम्पलीफायर लेने पड़ेंगे। अगर हम बेस में 1500 वाट स्पीकर लगा रहे हैं तो हमें अलग से एम्पलीफायर लेना पड़ेगा और टॉप के लिए अलग से एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ छोटे सेटअप की बट पावरफुल सेटअप की, तो इसमें मैं 1200 वाट और इसमें 800 से 1000 वाट का स्पीकर डीजे पे हम लगाएंगे और इसको हम चलाएंगे एक CA20 एम्पलीफायर साउंड स्टैंडर्ड से, और ये बहुत बहुत ही अच्छा बजेगा। अगर आप कर रहे हैं लाइव का काम, कि आपको लाइव प्रोग्राम बजाना है, तो लाइव प्रोग्राम के लिए आप 800 वाट का इंपोर्टेड स्पीकर लगाइए और टॉप के अंदर आप 400 मैक्सिमम 600 वाट का आप स्पीकर इसमें लगाइए और साथ में आप HF लगाइए, तो इस तरह से आपका लाइव प्रोग्राम में काम हो जाता है। जब आप बात करते हैं किसी ऑडिटोरियम की, किसी प्लेग्राउंड की, किसी स्कूल की, कॉलेज की, या इस तरह का कोई भी जो आप लाइव इवेंट करने जा रहे हैं जहां पर आप बेस लेकर नहीं जा रहे हैं, आपको क्लियरिटी चाहिए साउंड की और आपको धमक नहीं चाहिए, वहां पर आप बेस को छोड़ दीजिए, वहां पर आप खाली लेकर जाइए लाइनर स्टैंड के साथ और इसमें स्पीकर लगाइए 400 वाट से लेकर 600 वाट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगाइए। बट ये मैं सब बात कर रहा हूँ इंपोर्टेड स्पीकर के साथ। अब एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि रफली आइडिया हमारा इस सेटअप का कॉस्ट कितना बैठेगा। अगर हम इसमें इंपोर्टेड स्पीकर लगाते हैं, इंपोर्टेड स्पीकर के साथ इस सेटअप की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख में बैठती है, जिसमें हमारा बेस की कीमत करीब 50,000 रुपये, टॉप की कीमत अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपये के आसपास। ये कॉस्ट वैरी करेगी अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्पीकर के साथ। अगर आप कि आपके कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसका आप स्पीकर लगाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट पूछ सकते हैं। अभी मैं जो लेकर चल रहा हूँ वो एक अच्छा ब्रांड है, इंपोर्टेंट स्पीकर है, जो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ और उसी के साथ लेकर चल रहा हूँ। उसके साथ में हमारा एक एम्पलीफायर रहता है और एक मिक्सर। अब दोस्तों बात करते हैं मिक्सर की, तो मैं मानता हूँ कि आप 8 चैनल का मिक्सर तो लेकर ही चलेंगे कम से कम, क्योंकि आपको लाइव प्रोग्राम में भी यूज करना है और आपको यूज करना है इसे डीजे में भी। तो डीजे और आपका लाइव प्रोग्राम दोनों में कम से कम 8 चैनल का तो मिक्सर होना ही चाहिए। उससे ज्यादा आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो इसकी एक रफली मैंने आपको कॉस्ट बताई 1.5 लाख रुपए, जो कि डिपेंड करेगा कि स्पीकर कौन सी कंपनी का है और अगर आप स्पीकर ज्यादा हैवी कर रहे हैं तो वहां पर आपके एम्पलीफायर एक की जगह दो हो जाएंगे, तो आपकी वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसी तरह से आपके स्पीकर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप इसको स्पीकर को कम वोल्टेज का लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है वहां पर हमें CA20 जगह CA18 में काम चल जाए हमारा, तो वो डिपेंड करेगा सर तो कुछ कैलकुलेशन के ऊपर कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। बट काफी दोस्तों का रहता है कि भैया प्राइस नहीं बताते, तो एक रफली आइडिया मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का सेटअप बैठता है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, ये आपको दिखना दिखने में छोटा लग रहा है, ये बड़े सेटअप से हैवी है। आपने बहुत बार देखा होगा, काफी यूट्यूबर्स को देखा होगा जिसमें वो आपको टॉप के अंदर 400 वाट के स्पीकर लगा के देते हैं।
और साथ में आपको करीबन 60 वाट या 80 वाट का एचएफ लगा के देते हैं। जब हम बात करते हैं इस सेटअप में, तो हम क्योंकि इसमें 1000 वाट का स्पीकर लेकर चल रहे हैं, तो 1000 वाट का आपका स्पीकर उन 800 वाट के स्पीकर से काफी हैवी हो गया। दूसरा वो लोग लेके चलते हैं एचएफ करीबन 60 वाट या 80 वाट की, हम इसमें एचएफ लेके चल रहे हैं 110 वाट की। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 1100 वाट का आपका एक टॉप हो जाता है, जो कि आपके डबल 15 से ज्यादा हैवी है। तो आप खुद समझदार हैं, थोड़े में इशारे को समझना इतना ही है। बाकी अभी मैं यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है फिलहाल तो अभी कोई सेटअप हम सेल नहीं कर सकते, ना आप खरीद सकते ना हम सेल कर सकते, क्योंकि कोरोना के कारण पूरा लॉकडाउन है। और लॉकडाउन में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, केवल आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। डबल 15 अगर आप इसके साथ लेना चाहते हैं, तो मैं डबल 15 भी आपको पहले दिखा चुका हूँ, अपने इम्पोर्टेड टॉप्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। इसी बेस के साथ आप 600 वाट के स्पीकर लगा के वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है कि इसके बेस के साथ हम दो डबल 12 भी लेकर चल सकते हैं, जो कि लाइव प्रोग्राम में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सब कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन है, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं, बट मेरे हिसाब से ये बेस हर टॉप के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और बाकी आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको यूज कहाँ करना है। जब आप आएंगे मिलेंगे तो आपको उसके हिसाब से रिकमेंड किया जाएगा कि आपको कौन सा स्पीकर लेना है, आपको आपके लिए कितने वाटेज का स्पीकर इसमें अच्छा रहेगा। जब आप आएंगे बैठ के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, बट बहुत सारे भाई ये चाहते हैं कि उन्हें फोन पर ही सब कुछ सुनता दे रहे, तो भाइयों मैं समझ जाऊंगा इसके लिए, क्योंकि दिन में 400 से 500 कॉल अटेंड करता हूं मैं आप भी, और फिर भी भाइयों का रहता है कि भैया आप फोन नहीं उठाते। तो हम भी एक इंसान है, हमारी भी लिमिटेशंस है, हमारे भी इतने मैसेजेस 400-500 मैसेज डेली के और आते हैं व्हाट्सएप पर, उनको भी रिप्लाई करना होता है, कॉल्स भी अटेंड करने होते हैं, और फिर अपना काम भी करना होता है, तो एक लिमिटेशंस है। उससे बेटर ये है आप मेरे पास जब भी आए संडे के दिन आइए, क्योंकि मैं संडे को अपने कस्टमर से मीटिंग करता हूँ। आप संडे के दिन आइए, व्हाट्सएप ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप का रिप्लाई आने में हो सकता है समय लगे, कभी कभी 15-15 दिन भी हो जाते हैं रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई सभी कस्टमर को जाता है, इसमें आप बेचिंता रहिए। बाकी आप और क्या चाहते हैं बताइएगा, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में लेके आने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।